हेलो एंड वेलकम टू सिंपल स्टाइल कुकिंग। आज मैं आपसे साथ शेयर करने वाली हूँ होममेड बिरयानी मसाला पाउडर की रेसिपी। सुपर सिंपल और इजी सी रेसिपी है, आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं ये होममेड बिरयानी मसाला पाउडर की रेसिपी। सो लेट्स बिगिन। होममेड बिरयानी मसाला पाउडर बनाने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे एक कढ़ाई और इसमें हम सारे मसालों को डालकर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 बड़े चम्मच धनिया के दाने, 2 बड़े चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 बड़ी चम्मच काली मिर्च के दाने। यहाँ पर मैंने लगभग 15 हरी इलायची ले लिया है। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये काली इलायची, लगभग 10 से 12 है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी लगभग 4 पीस जावित्री के फूल। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी स्टार एनीस, जिसे हम चक्रफूल भी बोलते हैं, लगभग 5। लौंग यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 बड़ा चम्मच। उसके साथ साथ हम ऐड कर देंगे दालचीनी लगभग 6 से 7। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे सूखी हुई लाल मिर्चें लगभग 6 से 7। और यहाँ पर मैंने ले लिया है तेज पत्ता लगभग 4 से 5। और अब हम गैस कर लेंगे ऑन फ्लेम, बिल्कुल लो पर रखेंगे और लो फ्लेम में सारे मसालों को अच्छी तरीके से सेक लेंगे, यानी कि ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मसालों को भुनने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, तेज पत्ता को इस तरीके से 2 टुकड़ों में तोड़ लिया है ताकि हम मसालों को अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट कर सकें। मसालों को आप लो फ्लेम में लगभग 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरीके से भुनें, जिससे आपका मसाला जो है वो काफ़ी ज़्यादा एरोमेटिक बनेगा और लंबे समय तक चलेगा। अगर आप फ्लेम हाई कर देते हो तो एक तो आपका मसाला का जलने का चांसेस है, दूसरा आपका जो मसाला बनेगा वो थोड़ा सा कड़वा हो जाएगा, उसका टेस्ट जो है ना वो उतना अच्छा नहीं आएगा। तो इसीलिए आप इसे लो फ्लेम में लगभग 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरीके से भून लें। अगर आप इसे अच्छी तरीके से भूनते हो तो आप मसालों को लगभग 6 महीना तक आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो मसाला है वो भुनकर तैयार है और इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। और अब मैं इसका गैस कर लूँगी बंद और इसे हम इमीडिएटली एक प्लेट पर इस तरीके से निकाल लेंगे। और अब हम इस मसाला को अच्छी तरीके से स्प्रेड कर देते हैं ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। जब ये कम्प्लीटली ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो मैं इसे ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो ठंडा हो गया है, ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से हमारा मसाला जो है वो ठंडा हो गया है। और अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो ग्राइंड करने के लिए मैंने ले लिया यहाँ पर एक मिक्सी का जार और अब हम इस मसाले को इस मिक्सी के जार में इस तरीके से ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे मसालों को जार में ट्रांसफ़र कर दिया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ और मसाले। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। उसके साथ साथ हम ऐड कर देंगे 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये नटमेग का पाउडर, यानी कि जायफल का पाउडर। तो मेरे पास वो गोटा जायफल नहीं था, तो मेरे पास ये पाउडर वाला पड़ा हुआ था, तो मैंने लगभग 1 चम्मच जायफल यानी कि नटमेग का पाउडर ले लिया है, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब मैं इसका लिड बंद कर लूँगी और इसे हम अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये लिड बंद कर लिया और अब हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। मसालों को आप 2 तरीके से ग्राइंड कर सकते हैं, एक तो आप इसका फाइन पाउडर बना सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो इसका दरदरा पाउडर भी बनाकर रख सकते हैं। मुझे फाइन पाउडर पसंद है इसीलिए मैं इसका फाइन पाउडर बना रही हूँ, आप चाहें तो इसका दरदरा पाउडर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा मसाला जो है वो पिसकर तैयार है और अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ कि हमारा जो मसाला है वो बना कैसा है। तो एक बार लिड खोल लेंगे इस तरीके से और ये देखिए हमारा जो मसाला है वो कितनी अच्छी तरीके से पिसकर
तैयार है। एक बार मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। तो ये देखिए एकदम फाइन पाउडर बना है, काफ़ी ज़्यादा एरोमेटिक है, बहुत ही अच्छा मसाला हमारा बनकर तैयार हुआ है। आप इसे कोई भी एयरटाइट कंटेनर में रख कर लगभग 6 महीना तक आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा मसाला हमारा बनकर तैयार हुआ है और अब मैं इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये होममेड बिरयानी मसाला पाउडर की रेसिपी पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।